राम राम भाई सारी भाइया ने एक बार फिर तक पोटा मार के टमा लिया जाड उदा में भाई दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का मामला चल गया इन भाइया काम बना पाओगा थारे में तो कौन सा लग गया भाई जॉब कौन से ने मिली है तन्ने यही यही यो भाई है कौन सा काम है तेरा यूपी से हूँ यूपी डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर है निरुआ रिक्शा वाला की बच्ची का दिनेश लाल यादव और सुना दे भाई कैसा महसूस हो रहा है ये भाई अपने तुम छोड़ना आ रहे साथ में आ रहे हो तीनों लगे हो गए अच्छा तेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर सेम है और सुना दो कितने महीने कैसा महसूस हो रहा तुमने मजा आ रहा है हाँ भाई अच्छा वीडियो देख के दे फिर मजा आ गया अच्छा भाई कितने महीने तैयारी करी कहाँ से पढ़े बताओ कुछ लॉकडाउन में घर से ही पढ़े थे हम लोग तो अच्छा लॉकडाउन में घर से ही पढ़े थे सेल्फ स्टडी कितने घंटे एक दो तीन घंटे पढ़े दो तीन घंटे कितने कितने महीने साल तीन महीने तैयारी सही होता तीन महीने दिल्ली पुलिस के हम लोग दूसरा मतलब जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे कौन सी तैयारी करो थे तुम किस चीज की करो थे और किसी की हम लोग तो जेई की तैयारी कर रहे थे अच्छा जेई की चलो फिर जेई तो बढ़िया है जॉब अच्छा मिल गया नहीं बहुत बढ़िया लग गया भाई तीन महीने में सिस्टम खींच दिया दिन में कितने घंटे पढ़िया करता हम लोग तीन चार घंटे बस ओ भाई अरे यार ज्यादा बताता है 12 घंटे का दो साल था ही पढ़ेगा वो तो जेई है वो तो आईएएस होने के लिए 12 घंटे पढ़ा जाता अच्छा पुलिस के लिए बस 3 घंटा पढ़ लो बहुत है चलो भाई तन्ने दोस्ते तन्ने भी सेम तैयारी करी कट्ठे पढ़िया करते तो मजा आ गया फिर कट्ठा ट्रेनिंग सेंटर आ गया चलो बढ़िया लग गया ओके भाई हो ये भाई अपने बीच में और कोई सर है तेरा भी काम बनया है कौन सा गांव है एमपी है ग्वालियर ग्वालियर का एक और फेटा था वीडियो में देखी होता तने वो भाई जाने है उन्हें हाँ जाने है चलो और सुना दे कितने कैसा महसूस हो रहा तने अच्छा लग रहा है ज्वाइनिंग हो रही है तो अच्छा तो लग खुशी हो रही है घर वालों का और किसी का कैसा क्या रिस्पॉन्स था अच्छा रिस्पॉन्स आता है नौकरी लगती तो रिस्पॉन्स सही बात है नौकरी बहुत बड़ी चीज हो रही है भाई सही बात है कितने घंटे कैसे क्या पढ़ाई करी भाई पढ़ाई तो ऐसी है देख के पढ़ाई तो पढ़ना ही पड़ता है अपने कंटिन्यूसली अपने 5 घंटे 4 घंटे इतना अपना डेली का देते जाओ बस एक रूटीन बना लो कि हमको डेली पढ़ना है डेली पढ़ते जाओ तो उसमें फिर तुम्हारा कंटिन्यूसली पता नहीं चलता है ना कब पेपर हो गया कब नहीं कब निकल गया मेरा 80 मार्क्स था तो मतलब पता नहीं चला है कब निकल गया कुछ पढ़ाई नहीं था लेकिन पहले से तैयारी मतलब एक रिदम में रखनी पड़ती है कि भाई हमको 5 घंटे डेली पढ़ना है तो पढ़ना है अच्छा कितने एक दिन पढ़ गया तू एक साल दो साल भाई मैंने एक साल तो तैयारी स्टार्ट की थी बट मैंने 6 महीने थोड़ा अच्छा ढंग से पढ़ा था पाँच घंटे यार जबरदस्त यार चलो बढ़िया लगे फिट है जो नए भाई आओगे उन तक ये कहना चाहोगा भाई ये कहना चाहेंगे देखो अगर चीज करनी है ना उसी में करो वो एक रिदम बना लो कि भाई मेरे को कुछ करनी है सही बात है मान लो बस उसी पर लगते जाओ अरे भाई अपने आप हो जाएगा भाई एक नंबर हाथ मिला तो वही की बच्ची है एक नंबर भाई है भाई अपने इन भाइयों का भी बात करेंगे तेरा भी काम चल जाएंगे नहीं ये भाई है तेरी भी बात बनी है भाई कौन सा गाँव है भाई मेरा भिंड जिला भिंड एक ही बच्ची का भिंड वाले चीते यूपी एमपी वाले बोल कर लेंगे और सुना दे कैसा महसूस हो रहा है बढ़िया लग रहा है भाई कितनी देर पढ़ाई करी थी कहाँ से पढ़ाई करी बताओ भाई कुछ अपना अनुभव सेल्फ स्टडी चल रही है सेल्फ स्टडी कितने महीनों से लगी है जब मतलब मिल ली जाए तब तक लगी है प्रूफ है जब स्टार्ट किया तैयारी कितने 2-3 साल तक लग रहा है एवरेज कितने घंटे पढ़ ले दिन में आठ ओह भाई कमाल कर दिया चलो भाई ठीक है बहुत बढ़िया लग गया ये बैठे रहे यार और भाई भी हैं अपनी के लाइन तौर बात कराएंगे एक यो भाई अपनी के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई एमपी वाले बहुत आ रहे ग्वालियर का एक और भाई भिंड का फेटा था तेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर चलो भाई बढ़िया लग गया क्या नाम है जगदीश मीणा चलो भाई बहुत बढ़िया लग गया तो भाई कैसा महसूस हो रहा है अच्छा लग रहा है कितने घंटे कहाँ से पढ़ाई करी थी कुछ अपना अनुभव बता ऑनलाइन पढ़ाई करी भाई कितने घंटे कितने दिन मैंने कही थी 5-6 महीने की थी तैयारी 5-6 महीने पहला एग्जाम था पढ़ बगाया एक तरफा और भाई कितने घंटे पढ़ा था दिन में पढ़ता था मैं 12-13 घंटे ओ भाई 12-13 घंटे हो तेरी कमाल कर दिया भाई चलो जोर नए भाइयों उनके लिए कुछ मैसेज संदेश नए भाइयों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे से मेहनत करें ईमानदारी से हो जाएगा
कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से ईमानदारी से पढ़ाई और 5-6 महीने में हो जाएगा और आराम से घर पे। सही बात है, साची नहीं तक बात करो, काम चल रहा, बहुत बढ़िया बताई भाई ने। तो भाई बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है भाई, मुस्कराते हुए अपने एमपी के बहुत भाई आ रहे हैं, ठीक है, एमपी यूपी के जबरदस्त भाई आ रहे हैं, ये सारे भाई बने हुए हैं, ये भाई साफ सफाई से मैं मंड रहे क्या, मैं ये दो भाई और अपने भी सुना दो भाई, कौन सा गाँव है? राजस्थान है, एक ही बच्चे तेरा भी रंगीलो राजस्थान है, वो है समालपुर है, जयपुर, जयपुर, जयपुर पिंक सिटी जयपुर। तो भाई कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया भाई, खतरनाक जमकर महसूस हो रहा है। अरे यह बात करिए असली भाई, जमकर महसूस हो रहा है। हाँ सही बात है यार, कुछ मेहनत करके आगे बढ़ने का अलग ही स्वाद हुआ है भाई, मेहनत करे तो मिलेगा यार बढ़िया। हाँ हाँ मेहनत तो सफलता मिलेगी भाई, कुछ एक्सपीरियंस बताओ फिर अपना, कितने दिन पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे क्या तैयारी की? पढ़ने में तो एसएससी की कर रहे थे, जो एसएससी के लेवल के हिसाब से 4-5 घंटे मिनिमम ये तो चाहिए। अच्छा कितने दिन है? रेगुलर करना पड़ता है जैसे साल एक साल दे जोड़ के थोड़ी पढ़ते हैं यार, जैसे उसकी कर रहे थे तो वही सिलेबस है, सेम एसएससी सिलेबस है, एसएससी का सेम सिलेबस है, एसएससी नहीं करवाया तो। अच्छा अच्छा, तो तुमने फिर भी कितने दिन पढ़ा, एक साल दो साल, कितने साल भर तैयारी? 40-45 घंटे की। चलो भाई बढ़िया काम चल रहा था। कोई भाई बुक वगैरह सजेस्ट करोगे बालका ने? बुक तो देखो सभी पर्टिकुलर बुक ले आओ, कोई सी जीके के लिए, इंडियन लेवल जीके के लिए, मैथ के लिए, कंप्यूटर के लिए पर्टिकुलर ले आओ, सभी बुक अच्छी अच्छी कोई सी। अच्छा अच्छा, कोई गलत नहीं छापता, बस उसको पढ़ना पड़ता है। बच्चे क्या ऐसे गुमराह होते रहते हैं, इसमें कम बेटर है, इसमें ज़्यादा बेटर है, ये बढ़िया लिख रखा है, ये थोड़ा विस्तार से लिख रखा है, तो हिसाब ले आओ, बार बार पढ़ो, अलग अलग बुक नहीं लानी, एक बुक ले आओ उसको बार बार उसको पढ़ना है। राजस्थान वाले जीते, ओके भाई एमपी खतरनाक। तो भाई यो माहौल बन यार, एक बात का ध्यान दे भाई, ये जो बाहर तो सामान मतलब सामान सारा भीतर तक मिल जाए, महंगा मतलब बाहर तले आवे ना महंगा सामान मिले, भीतर तो सस्ता सामान है। एक भाई ड्यूटी ज्वाइन कर उस भाई ने यो मैसेज कर दिया है भाई, सारे भाई आता ही के अगर गद्दा अरे भाई जो झाड़ू बाल्टी बुल्टी अरे भाई के निकर बनियान है और जो भी सामान है ना सब कुछ मिल जाए, खाली बक्सा बक्सा हाँ अंदर मिल जाएगा, बाहर तो मत लिया महंगा मिल रहा है भाई। हैं वो बच्चा देख वो ट्रेनिंग पे कर रहा, उसने बताया अभी अभी और उसी ने बोला भाई वीडियो में बता दे ताकि बच्चे महंगा सौदा ना ले आवाने, नुकसान होगा थारा यार, अंदर मिल रहा है सामान सब कुछ, जुराब जूते हैं बाहर महंगा दे यार, अंदर तो भाई इनका अपना मामला ना है, तो अंदर सस्ता मामला है, ठीक है लाई तो नहीं हुई कुछ है? लाई तो नहीं हो गई, हाँ ये तो लेना ही था यू है ना, जो आडर जाकर लिया है ना बाहर तय वो महंगे मिल जाए। तेरा भी काम चल रहा भाई, होली बातचीत अपनी, कौन सा गांव है? जासू, जासी एमपी, सारे यूपी में है जासी, और सुना दे कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया फील हो रहा है भाई, बढ़िया फील हो रहा है। कितने महीने तैयारी करी थी भाई? मैंने 1.5 साल से। 1.5 साल से कितने घंटे पढ़े रहे दिन में? घंटे कोई मैटर नहीं था, मतलब ऐसे कोई एक टॉपिक है वो क्लियर किया ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई फिर बढ़िया, कुछ जो नए बच्चे उन खातर के कहना चाहोगा? मैंने तक मतलब कैसे करे पढ़ाई, कैसे करे कुछ दो अपना एक्सपीरियंस तेरा, मतलब बेसिक से तैयारी करो, अगर बेसिक क्लियर है तो रिवीजन करो और सेट पेपर लाओ, सेट पेपर बहुत जरूरी है, सेट पेपर उस तक बने की बात है। हाँ। चलो बाकी यही है। हाँ। चलो भाई बहुत बढ़िया लग गया, यो भाई छाया है भाई एमपी ने, चैनल पोटा व्लॉग से भाई अभी दिखा दूंगा, देखता है पोटा व्लॉग से। चलो भाई बहुत बढ़िया लग गया सुन के, ये भाई रही यो माहौल बना हुआ जाट उद्दा में, ठीक है पुलिस अकेडमी जाट उद्दा कला भाई, यो माहौल बना हुआ इन भाई था अपन ने बात कर ली भाई, ठीक है सामान बाहर तो नहीं लावा भीतर तो ही लावा ना ताकि भाई नुकसान ना हुआ, बढ़िया सामान सस्ता सामान भीतर ही देवे हैं भाई ये सारे भाई। चलो भाई इस वीडियो में फिर इतना ही, राम राम, बने रहो सबके, काम चल रहे सुथरे सारे भाई आगे।